हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। सुबह की राम राम जी। यहाँ पे मैं बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ, बच्चे तैयार हो रहे हैं, उनके लिए मैं बना रही हूँ माइक्रोनी। और अभी मैंने इनको उबाल लिया था, उबालने में मैंने इनमें एक चम्मच घी डाल दिया था जिससे कि ये अलग अलग रहे। और छोंक मेरा हो गया है, मैंने छोंक में डाले थे, घी में ही छोंक लगाया मैंने। इसमें डाल दिया था मैंने प्याज और टमाटर कटा हुआ, सारे सूखे मसाले, इनको भून कर अच्छे से तभी मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इनको फ्राई करने के बाद फिर बच्चों का लंच भी मुझे तैयार करना है, उनके टिफ़िन में रखना है, मतलब कि उनके टिफ़िन में भी रखना है। वो तो तैयार हो रहे हैं। पापा जी के लिए नाश्ता बनाया था तो गैस चूल्हा भी ऐसा ही हो रहा है, आटा छाना था तो उड़ के आटा चलाया जाता है, कितना भी बचा लो। अभी मैं बच्चों का लंच टिफ़िन में घालने के बाद फिर इसको क्लीन करूँगी। और किचन में अभी बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं चाय वगैरह के, वो भी बाहर निकाल के रखने हैं, उनको तो मैं बाद में ही धोऊंगी। अभी नाश्ता भी बनाना है हम लोगों के लिए। अभी मैं रह रही हूँ, दीदी रह रही हैं, मम्मी जी भी ने भी नहीं किया है, पापा जी ने तो कर लिया है। तो पहले मैं बच्चों के टिफ़िन ही तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद ही देखूँगी और सारे काम। चारों बच्चों का लंच तैयार है बिल्कुल। वो लेने गए हैं सॉस, सॉस नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो वो दुकान से लेने गए हैं। सॉस के साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई माइक्रोनी। अब हमने उनको दूसरी बार दिया है, मैं इसलिए नहीं देती थी कि कभी उनको पसंद ना आए। और ये सारे किचन के जो सूती कपड़े हैं उनको मैं वॉश कर रही हूँ गर्म पानी में, गर्म पानी में ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, तो इनको भी साफ़ करना है। और पर्दे जो हमने कल धुले थे वो अभी फैलाए हैं, कल तो नहीं फैलाए थे, लेट धुले थे, तो इस वजह से ये भी सूख जाएंगे। धूप तो नहीं है पर हवा भी चल रही है, ये तो हवा से ही सूख जाएंगे। और गांव में कोहरा ही कोहरा है, अभी तो हल्का हल्का सा ही उतरा है। दीदी भी प्रेस कर रही हैं, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, उनकी तह लगानी है और कुछ को करनी है प्रेस। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धूप की वजह से, सूख नहीं पाते तो पड़े ही रहते हैं, और इनको सुखाने के बाद ही तय करनी पड़ती है, नहीं तो फिर इनमें से स्मेल आती है। और जो रखे हो कि गिल्ले कपड़ों की स्मेल होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, तो इनको अच्छे से सुखाने के बाद ही रखते हैं हम, इतने तो हम इनको उठाकर नहीं रखते हैं। और देखिए पूरी खाट भरी पड़ी हुई है कपड़ों से। दीदी भी यहाँ पर खड़ी थी और मैं भी यहीं पर थी, हम बातें कर रहे थे। अभी मैं भी चलती हूँ, दोपहर का खाना ही बनाना है, 11:30 बज गए हैं, सब्जी तो बन गई है पर खाना बनाना है। और यहाँ पर दीदी पी रही हैं चाय, 11:30 बज गए हैं, ये किसी भी टाइम जब भी इनका मन करता है तभी पी लेती हैं चाय। ज़्यादातर ये नीचे बैठ के खाती पीती हैं, हम लोग भी खा लेते हैं नीचे बैठ के, अच्छा लगता है। इनकी और हमारी आदत में थोड़ा सा फ़र्क है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज दिन है शनिवार, बच्चों की ड्रेस धो दी है मैंने आज ही, कल टाइम नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। बच्चे घर पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा काम, बच्चे जब घर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इस वजह से मैंने अभी धो के फैला दिए हैं। ये देखिए कुछ कल भी धुलेंगे, बच्चों के पापा आएंगे आज तो वो भी बहुत सारे कपड़े लेकर आएंगे, कल तो उन्हें धोने में मेरे होश ख़राब रहेंगे। और बस सर्दी से तो बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, सर्दी की वजह से तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, सुबह में काम को लेट ही हो जाता है, सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सुबह में काम करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मन नहीं करता काम करने का और फिर देर हो जाती है। लाइट बहुत ज़्यादा पैज करती है, अक्की का मैंने कोट धुला था तो वो सुखाए बिना रह गया था और लाइट चली गई थी, और अभी मैंने मशीन हटा दी तो फिर से आ गई लाइट। लाइट भी परेशान करती है बहुत ज़्यादा, तो पहले अभी मैं उसका कोट ही सुखा लेती हूँ, उसके बाद शाम का खाना बनाऊँगी। शाम के 5 बज गए हैं, खाना भी बनाना है। अभी कपड़े तो मैंने धो दिए, टाइम था मेरे पास, थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा कपड़े ही धो लेती हूँ, कपड़े तो धो दिए। अभी खाने की भी तैयारी करनी है तो चलते हैं किचन में, देखती हूँ क्या बनाऊँगी शाम के खाने में। अंगीठी में आग भी जल गई है, मैं यहाँ पर दूध उबालने के लिए बैठी थी, दूध उबाल दूँगी। सब्ज़ी तो मैंने रख दिया बनने के लिए, वो भी बनती रहेगी, इतने में मैंने सोचा दूध ही देख लेती हूँ, दूध भी उबल जाएगा। नीचे बंदर था, पापा जी बंदर को भगा रहे थे, वो नीचे उतरने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ भी नुकसान करके चले जाते हैं, तो पापा जी उनको ही भगा रहे थे। और ये डरते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ढीठ पना है इनमें, डरते भी नहीं हैं बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा
सामना करते हैं हम लोगों का। हमारी अंगीठी भी फूट गई है, दूसरी बनानी पड़ेगी। और आग बहुत कम जलती है, सर्दी में धुआं हो गया है, आग जलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। नीचे राख भी काफ़ी हो गई है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ पहले, तभी आग अच्छे से जलेगी, नहीं तो ऐसे नहीं जलेगी। क्योंकि नीचे से बंद हो गया है, इस वजह से इसमें हवा नहीं जा पा रही है, तो पहले मैं राख निकाल देती हूँ। शाम के टाइम चाय पीने का मन करता है, तो मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए चाय और अपने लिए, दीदी के लिए, हम सब लोग ही पी लेते हैं शाम को चाय। तो अभी मैं चाय बनाने लगी थी, पहले मम्मी को मंदिर भी जाना है, मैंने कहा फिर चाय पी कर ही चले जाना, पहले चाय पी लीजिए उसके बाद चले जाना मंदिर में। अभी मम्मी जा रही है मंदिर में, शनिवार को जाती है, वो आप लोगों को भी पता है। उन्होंने अपना दिया सब तैयार कर लिया है, अभी वो जाएंगी। बाय हो गई। साग भी रखा हुआ था और मैंने बनाई थी मूंग मसूर की दाल, वो भी थी, पर मेरे हस्बैंड साग नहीं खाते, उनको नुकसान देती है, और दाल भी वो कम ही खाते हैं, पसंद नहीं करते हैं दाल भी, तो इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ पिट्ठी। पिट्ठी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे भी, बच्चों को भी, और इन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद है पिट्ठी, हम सब चाह के खा लेते हैं। और ज़्यादातर तो मैं पिट्ठी बना के देती हूँ अक्की को, अक्की को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो चाहे उसे रोज दे लो पिट्ठी। ध्यान तो बड़े काम रहा है मेरे, वीडियो चलाते नहीं नंबर चल रहे। हाय फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ मूँगफली, और काली काली है भट्टो भट्टो, सर्दी में ऐसी मूँगफली है, बिल्कुल गोली चिट्टी है, बिल्कुल गोली चिट्टी है। गांव में इतनी अच्छी नहीं मिली, काली काली सी है, काली है। अभी वीडियो चल नहीं रही थी और हमें एक सांस बकर बकर कर रहे ये भी देख रहे ना, नहीं देखा टाइम चल रहा नहीं। ये क्या है? क्या जैसे मुंबई खा कर ले गया, फोन में दिखा कर फिर वहीं रख लिया, बन थोड़ी है कितनी तेज बन रही, इनमें भी भला नहीं हो रहा इतने सारे मिस्ट। तो मैं इसका वो काम हो रहा, क्या नाम इससे भी जा रही पहले को घेर की सके लोगी तो बाद में खा लेने वो पहले अलग अलग थी निमटालो गोई चिट्टी दे दी मेरी काली भुट्टा या इनका इनका धोए रख दे गले इनको मैं सारी मूंगफली ले जा रहा बैग के नीचे वाच के साथ अच्छी नहीं लगती, कौन लगा दी अच्छी, और कौन लगा मत अच्छी, मम्मी भाई ये तेरी मम्मी अच्छी लगे। मूँगफली मंगाई थी हम लोगों ने इनसे, अभी लेकर आए थे गांव से लेकर आए, तो सब लोग कर रहे हैं इंजॉय, मूँगफली खा रहे हैं। आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ, सर्दी में ये अच्छी लगती है वैसे, फिर बाद में नहीं लगती है अच्छी मूँगफली, तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा खाते हैं सब लोग मूँगफली, बहुत ज़्यादा पसंद है। और अंतिम दीदी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मूँगफली, नहीं तो रोज ही खिला लो चाय। हेलो हाय बाय, हेलो बाय हाय, देखो ये मैं पीस रही हूँ मूँगफली की गिरी, क्योंकि पापा जी पे साबुत नहीं खाई जाती, तो हम इनको हम इससे में पीस कर देते हैं अपने पापा जी को। देख कैसे दे रहा मूँगफली खा लो फ्रेंड्स को।
आइए फ्रेंड्स मूंगफली खा लीजिए। रात में सब लोग दूध पी के ही सोते हैं, तो दीदी यहाँ पर दूध लेकर आ गई थी सबका। रोज तो मैं ही घोलती हूँ, आज मैंने नहीं घोला तो ये घोल के लेकर आ गई और पहले बच्चों के को दे रही हैं। बच्चों को ज़्यादा जल्दबाजी रहती है दूध पीने की, वो दूध पिए बगैर सोते नहीं हैं। अभी वो सबको देकर आ जाएंगी। यहाँ पर भाई साहब के लिए लेकर गई थी वो और दीदी के लिए दूध। बच्चों ने पूरी बेडशीट पे छिलक छिलक कर दी मूँगफली के, तो मैं उन्हें झाड़ रही थी और वीडियो बना रहे थे, वो मुझसे बातें भी कर रहे थे। तो अभी बस इसको झाड़ देती हूँ, फिर मुझे उनके बैग से कपड़े भी निकालने हैं जो धोने के लिए लेकर आए हैं। बहुत सारे लाए हैं, वो कल ही धुलेंगे, अभी तो टाइम नहीं है धोने का। बहुत ज़्यादा सर्दी है, अभी तो मन भी नहीं कर रहा। कल मेरे देवर आएंगे, वो लेते जाएंगे फिर धुले हुए कपड़ों को, तो मैं उनको कल ही धो दूँगी। मैं बस कपड़े निकाल ली थी बैग से, उनका ड्यूटी बैग भी रहता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंगवा के रखना पड़ता है, इसी में इनके टिकट्स वगैरह होते हैं। झिलमिल से क्यों आ रही है वीडियो में? झिलमिल से तिरमिल से चला, तिरमिल से चला रहा है। हेलो जी माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, पर आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इस आँख में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो हो रहा है इसलिए, टेंशन ही रहती है दिमाग में हर वक्त। कुछ तो वीडियो की टेंशन, कुछ काम की टेंशन, बच्चों की टेंशन, अपने हस्बैंड की टेंशन, उनको पथरी है गुर्दे में, उसकी टेंशन रहती है रात दिन, पता नहीं वो कैसे निकलेगी, दर्द रहता है उन्हें। और अभी वो शाम के टाइम आए थे, उनके कपड़े निकाल के रखे हैं बैग से मैंने, बहुत ज़्यादा लाए हैं गंदे कपड़े, वो यहीं से धुलवा के लेकर जाते हैं। आवाज़ कम कर लो थोड़ी सी, हैं, आवाज़ कम कर लो थोड़ी सी। वो देख रहे हैं कपिल शर्मा का शो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके शो को देख के हंसी आती रहती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और वो भी देख लेते हैं, वो तो कम ही देखते हैं, वो ज़्यादातर उत्तर कुमार की पिक्चर देखते हैं, उन्हें की पिक्चर बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी लगती है, मैं भी देखती हूँ उनकी सारी पिक्चर, अच्छी लगती हैं बहुत ही ज़्यादा। आप लोग भी बताना किस किस को अच्छी लगती है। और देखिए मैं क्या बात लेकर बैठ गई, कर क्या रही थी बातें और कहाँ पहुँच गई बातें करती करती। तो आज मेरे सर में दर्द है, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा आप लोग वेट करते हो। मैं सोचती थी मेरी वीडियो कोई वेट नहीं करता, पर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरी वीडियो का वेट करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहते हैं और लोग मुझे कमेंट करके बता देते हैं, अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं, थैंक यू। और एक फ्रेंड्स ने तो मुझे सपने में भी देख लिया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपके सपने में मैं आई और आप मुझे इतना पसंद करती हैं, मेरे बहुत ही अच्छे भाग्य हैं, बहुत अच्छी किस्मत पाई है मैंने जो आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मुझसे जो बाद में यूट्यूबर लगे हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए, वो मुझसे आगे पहुंच गए हैं और मैं पीछे ही रह गई हूँ। मेरा तो वाला काम हो रहा है, जैसे कि खरगोश आगे चला जाता है और कछुआ पीछे रह जाता है और फिर कछुआ ही आगे निकल जाता है, वो वाला काम हो रहा है। मैं पीछे रह गई, बाकी सब आगे निकल गए मुझसे, पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हो जाती है। शायद हमारी गांव की वीडियो किसी को अच्छी नहीं लग रही है इतनी ज़्यादा, तो कम ही लोग देखते हैं, और जो देखते हैं वो तो रोज़ ही देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन्हें तो अच्छी लगती है मेरी वीडियो। पर प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं भी कुछ कर पाऊँ, अपने हस्बैंड की हेल्प कर पाऊँ। वो अकेले ही बहुत ज़्यादा कठिन नौकरी करते हैं, सच में बहुत ज़्यादा परेशानी वाली नौकरी है उनकी। मैं बहुत ही ज़्यादा सोचती हूँ कि कैसे वो सुबह में इतनी जल्दी उठ के चले जाते हैं और हम तो फिर भी लेट उठते हैं, और ये 4 बजे ही ड्यूटी पे चले जाते हैं।
तो बहुत ही कैड़ा काम है सुबह में उठना। हमसे तो दिन सवेरा उठा भी नहीं जाएगा, पर क्या करें, पेट है, पेट के लिए करना पड़ता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है। इतना ज़िंदगी है, इतना तो कुछ ना कुछ करना ही होता है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को पढ़ाना, उनको पढ़ाना लिखाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सच में इतनी महंगाई है, मैं तो सोच सोच के घबराती रहती हूँ कि आगे क्या होगा, जब अभी इतनी मुश्किलों में हम लोग इनको पढ़ा रहे हैं, आगे क्या होगा। इतनी महंगी फीस जाती है और ऊपर से ये पढ़ने में भी ध्यान नहीं लगाते बच्चे बिल्कुल भी, कितना भी कह लो इनसे, पर करते हैं अपने मन की है। तो चलिए, मैं कहाँ अपने जीवन की कथा लेकर बैठ गई, वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जैसी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट भी करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें। और आप सबको मेरी राम राम जी, हाथ जोड़ के प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ऐसा ना करें, हमें भी एक मौका दे दीजिए कि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँ, मुझ में भी हिम्मत आ जाए। वैसे मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग मुझे, मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी। मैं जैसी भी हूँ, बावली तावली, सब आपके सामने, ये मेरी लाइफ है, मैंने आप लोगों से कुछ नहीं छिपाया है।